द नाइट मैनेजर सीरीज एक इंग्लिश सीरीज था जिसको सेम नाम से हॉटस्टार इंडियन ऑडियंस के लिए हिंदी डब करके लाया है। मुझे समझ नहीं आता अगर किसी ने इंग्लिश वाला सीरीज देख रखा है ऑलरेडी तो उसे हिंदी सीरीज देखने में मजा क्या आएगा। इन्होंने तो काम ऐसा किया है कि कहानी सेम टू सेम वही रखी, थोड़ी सी अगल बगल की जगह चेंज कर दी, थोड़ी सी नाम वाम चेंज कर दी, बस इतना ही था। स्टोरी एक क्राइम जनर के ऊपर है जिसमें माफिया एंड गैंग लीडर टाइप कहानी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अक्षय कुमार की बेबी जैसे एजेंट टाइप सीरीज जॉनर जिन्होंने अभी तक देखा है तो उनको सीरीज शायद पसंद आ सकता है, बट प्रो ऑडियंस के लिए सीरीज नहीं है। जिन्होंने इस तरह की मूवी बहुत सारे देख रखी है उनके लिए सीरीज बहुत ही बेकार लग सकता है। जितना मारदार सीरीज से एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा लेवल कम था। मैं शायद इस तरह की मूवीज एंड सीरीज बहुत देख चुका हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कम लगा, बट अगर तुम एक न्यू ऑडियंस हो तो तुम्हें शायद सीरीज अच्छा लग सकता है। सीरीज शुरू होती है शैलेंद्र रुंगटा से जिसका इलीगल आर्म्स का धंधा है, बट उसे इंडियन इंटेलिजेंस पकड़ नहीं पा रहा था तो शांत सेनगुप्ता नाम की एक नाइट मैनेजर को इंडियन इंटेलिजेंस ने पकड़ा एंड उनको कहा कि तुम्हें सेली से मतलब कि शैलेंद्र रुंगटा से करीब जाना है। शांत तो पहले मना कर रहा था कि मुझे यह सब काम नहीं करना, बट बाद में इंडियन इंटेलिजेंस ने उसे समझाया एंड शांत शुरू करते हैं एक सीक्रेट एजेंट की जिंदगी। मुझे इसके कुछ सीन राजीव मूवी से काफी ज्यादा रिजेंबल लगे एंड हो सकता है मैं गलत हूँ। सीरीज स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से शुरू करता है बट कहानी एंड तक आते आते थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल सी हो जाती है। कुछ लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग शायद नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। शायद सेम स्टोरी लाइन की वजह से प्रो ऑडियंस को सीरीज उतना पसंद ना भी आ सकता है। एक चीज अच्छा मैं कहूंगा, इन्होंने नए तरीके से स्टोरी लाइन को सजाया है जो देखने में बिल्कुल भी मजा आता है, बट शुरुआत एंड टाइमिंग इसका बहुत ही खराब था। अगर सीरीज देखने जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे। एक लाइन में अगर समझाना है तो कहानी बहुत ही एवरेज सा है, कोई नई बात थी इसमें, बट नए व्यूअर्स ऑब्वियसली इसे देख सकते हो। प्रो ऑडियंस इस सीरीज से दूर ही रहो, तुम्हें उतना पसंद नहीं आएगा अगर तुम प्रो ऑडियंस हो। जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की आर्म्स रिलिंग का कंटेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है। बाहर के देशों में तो ऐसा चल जाता है बट इंडियन में ऐसा कंटेंट थोड़ी सी नया जॉनर है, तो इसको अगर ड्रग्स स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ देते तो बहुत ही अच्छा लगता। स्टोरी सिर्फ मुझे एक रीमेक वर्षन लगा एंड मुझे लग रहा था मैं इंग्लिश वाला मूवी को सिर्फ हिंदी डब करके देख रहा हूँ। ऐसा काम इन्होंने क्यों किया मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है।